तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित का अभ्यास 1 का डी। इससे पहले तक आप लोगों ने 1 का सी तक पढ़ लिया था, तो अभी तक आप लोगों ने ये परिमेय संख्याओं का जोड़ और घटाना पढ़ा है। उसमें लॉसा लेकर हल किया जाता था, इसमें लॉसा नहीं लेना है, ये गुणा में देखते हैं क्या करते हैं। पहले तो इसमें ये ध्यान देंगे कि अगर माइनस 2 माइनस ऊपर नीचे होगा, तिरछा भी ऊपर नीचे, तो उसको काट देंगे। संख्याओं को भी तिरछा में भी काट सकते हैं, ऊपर का नीचे भी काट सकते हैं, बस नीचे का नीचे नहीं काटेंगे और ऊपर का ऊपर नहीं। इससे इसको काटेंगे, इससे इसको काट सकते हैं, इससे इसको और इससे इसको, काटने वाला रहेगा तो काट सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो देखेंगे, पहले तो हम यहाँ माइनस से माइनस एक काट दिए। आप देखेंगे ये एक बार माइनस 9/8 है, गुड़े ये माइनस माइनस कट गया, 32/3 है। तो देखेंगे हम तो 3 से ये 9 कट जाता है, 3 बार में, 3 3 के 9, यहाँ एक बार में कट गया है। 8 1 8, 8 4 32, 4 बार में कट गया। जो संख्या बचा ऊपर का ऊपर में गुणा कर देंगे, नीचे का नीचे में, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऊपर का गुणा करते हैं, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, माइनस प्लस का गुणा माइनस रहेगा, 3 4 12। नीचे एक एक है, एक एक का गुणा करेंगे तो एक ही होगा। तो या तो ऐसे आंसर लिखेंगे, नहीं तो इसको हम 1 से 12 में भाग करेंगे तो 12 बार में ही जाएगा, तो -12 यही आंसर लिख देंगे। कुछ नहीं करना है, गुणा बहुत आसान होता है। अगर नहीं समझ में आएगा तो पहले ऊपर का ऊपर में गुणा, नीचे का नीचे में गुणा कर लेंगे, लिख लेंगे और उसको भी काट के छोटा कर सकते हैं, चाहे ऐसे। और देखते हैं यहाँ और कोई माइनस है नहीं, तो माइनस को नहीं काटेंगे। देखेंगे तो हम एक बार ऐसे लिखते हैं, 13/15 गुड़े, ब्रैकेट हटा लेंगे, प्लस माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो माइनस ही रहेगा। देखेंगे तो 13 से ये 26 कट जाएगा, 13 1 13, 13 2 26, 2 बार में। अब देखते हैं 15 से 25 नहीं कटेगा। अब हम एक ही संख्या से अगर दोनों संख्या कटने वाला रहेगा ऊपर का नीचे, तो काट सकते हैं। जैसे अगर हम 5 से 15 को काटे तो 5 से 15 भी और 5 से 25 भी कटता है, तो 5 से 15 3 बार में कटता है और 5 से 25 5 बार में कटता है, तो काट देंगे। जो बचेगा उसका गुणा, यहाँ प्लस 1 बचा, यहाँ माइनस 5, तो 1 और 5 का गुणा, पहले चिन्ह का गुणा करते हैं, तो प्लस माइनस माइनस, 1 का 5 में गुणा, 5/ नीचे का नीचे में, 3 2 6, यही आंसर होगा। बहुत सिंपल है। यहाँ देखते हैं, जब एक संख्या रहे तो उसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो ऐसे -32/1 लिख सकते हैं, गुणे -7/36। हम देखेंगे 7 से 36 नहीं कट सकता है, 32 से 36 भी नहीं कट सकता है, लेकिन चार से हम 32 को भी काट सकते हैं, 4 से 36 को, तो एक संख्या से ऊपर नीचे कटने वाला रहेगा तो काट सकते हैं। तो 4 से 32 को काटेंगे तो 8 बार में कटेगा, 4/32 और ये 9 बार में, 4 9 36। अब नहीं कटने वाला है तो ऊपर का ऊपर में गुणा, तो -8 -7, माइनस माइनस का गुणा प्लस, 8 7 56/1 का 9 में गुणा 9, ये आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये हमने पहला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, तीसरा यहां है। देखते हैं, माइनस नीचे ऊपर काट देंगे। आप देखेंगे 36/5 है, गुणे 20/3 है, 5 से 20 4 बार में कट जाएगा, 3 से 36 भी कट जाएगा, 12 बार में, 12 3 36, ऊपर 12 और 4, 12 और 4 का गुणा कर लेंगे, 12 4 48, 48/नीचे यहाँ भी 1 बचा, यहाँ भी 1 का गुणा एक ही होगा, भाग कर देंगे तो 48 ही आंसर होगा। तो ऐसे सॉल्व करना है, बहुत आसान है, बस ऊपर का नीचे चाहे तिरछा में चाहे सीधा ऊपर का नीचे काट के छोटा करना, ऊपर का ऊपर में गुणा, नीचे का नीचे में गुणा करके वही आंसर हो जाएगा।
तो अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, गुणा कीजिए दिया है, इसमें एक दो तीन और चार क्वेश्चन दिए हैं, इसको भी जैसे हमने बताया उसी तरह हल करना है। गुणा करने का मतलब यहाँ 7/6 × -24 ऐसे लिख लेंगे और गुणा करना है। एक संख्या उसके नीचे एक लिख भी सकते हैं, नहीं भी एक रहता है, जैसे हमने बताया उसी तरह हल करना है। तिरछा में कटने वाला है तो काट सकते हैं 6 से 24 को 4 बार में, ऊपर का ऊपर में गुणा, नीचे का नीचे में, यहाँ प्लस है माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 × 4 = 28, नीचे एक है तो एक लिखेंगे या नहीं, लिख लेंगे माइनस 28, यही आंसर हो जाएगा, एक से भाग करेंगे तो 28 ही आएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, प्लस और माइनस, माइनस 9/8 गुणे, गुणा करना है, यहाँ दे दिया है, ऊपर का दोनों माइनस काट लेंगे तो 16/3 हो जाएगा। अब देखते हैं 3 से ये 9 कट जाएगा 3 बार में, 8 से 16 कट जाएगा, 8 × 16 2 बार, ऊपर का ऊपर में गुणा, नीचे का नीचे में, तो माइनस है 3 × 6 / नीचे एक है, 1 से 6 में भाग करेंगे तो वही -6 ही रहेगा, ये आंसर हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, माइनस से माइनस ऊपर नीचे का काट सकते हैं, 16/21 × 14/5, देखेंगे तो 5 से 14 को भी नहीं काट सकते हैं, 16 को भी नहीं काट सकते हैं, लेकिन 7 से 21 को 7 से 14 को काट सकते हैं, 7 × 3 = 21, 7 × 14 ऊपर का ऊपर में गुणा, 16 × 32 / नीचे का नीचे में गुणा, 3 × 5 = 15, ये आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं है। यहाँ देखते हैं -13/5 गुणा करना है, -11/39 से 5 से 11 को नहीं काट सकते हैं, लेकिन 13 से 39 को काट सकते हैं, 13 × 3 = 39, चिन्ह ऊपर का देखते हैं, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 11, यहाँ 13 कट गया तो 11/ नीचे 5 और 3 है तो 5 × 3 = 15, माइनस माइनस का जब गुणा किए हैं तो यहाँ प्लस हो गया, प्लस नहीं लिखते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं है। ऊपर का ऊपर में गुणा, नीचे का नीचे में, काट के छोटा कर लेना है बस। तो ये हमारा 1 का D आज खत्म हुआ। ऐसे ही पूरे वीडियो को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।